राजनीति में सेंध लगाने के लिए आप आम आदमी पार्टी के नेता सूरत आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया है। सर, गुजरात मॉडल की बात देश भर में होती है, लेकिन आप गारंटी कार्ड लेकर आए हैं दिल्ली मॉडल का, क्या कहेंगे? दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल की कोई टक्कर नहीं है। बात यह है कि ईमानदार राजनीति, जनता के लिए काम करने वाली की राजनीति आज गुजरात में आई है। गुजरात के लोग 25 साल से बीजेपी का विकल्प ढूंढ रहे हैं और आज सबको लग रहा है कि आज आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है तो बीजेपी हारेगी। किस तरह सेंध लगाएंगे भाजपा में, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पूरा मुद्दा लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सारी ऐसी चीजें हैं। लोगों को दिख रहा है कि यार 5 साल में अगर केजरीवाल कर सकते हैं तो 30 साल में बीजेपी क्या कर रही थी यहाँ पे। सर, एक रिंकू शर्मा का सवाल, केजरीवाल जी नहीं गए, ये सवाल उठा रही है बात। मैं वहाँ पे जवाब दे चुका हूँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बहुत अफसोस है कि अमित शाह जी चुनाव में घूम रहे हैं वहाँ पे, और जो उनके पास पुलिस है उनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में देखना, उनको चाहिए कि वो वहाँ पे जाएं, केजरीवाल तो चले जाएंगे। आखिरी सवाल, पुलवामा का बरसी है, क्या कहेंगे आप? क्या पुलवामा की बरसी है, अभी भी सबूत चाहिए दिल्ली सरकार? नहीं, दिल्ली सरकार तो शहीदों को नमन करती है, हमेशा करती आई है। तो ये थे मनीष सिसोदिया जो गुजरात में भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने आए हैं। गुजरात मॉडल की जगह दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। सूरत से श्वेता सिंह, ईटीवी भारत।